हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम न्यू हियर, माय नेम इज अंकिता। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर। ओके, तो आज हम लोग, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे पूरा विरार जीवदानी टेम्पल का रूट और उधर के स्टेप्स, उधर का एरिया, उधर का मौसम, उधर के हाल चाल। देखो, स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी। देखो, ये ट्रैवलिंग है हमारी ऑटो से। ये मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, मेरा बेटा है, मेरी फ्रेंड की बहन का बेटा है, साथ में हम लोग चार जन थे। उसके बाद ये सभी रूट जा रहा है विरार साइड का। विरार के जो भी लोग बाई चांस देखेंगे, शायद उन तक मेरा वीडियो पहुँचे, तो ये उनको मालूम होगा, उनके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। ठीक है, तो उन एक लोगों को मिनट। ऑटो मिली वहाँ पे। उसके बाद उस भैया ने और दो तीन सीट उसमें बिठा लिए, जैसे तैसे करके हमको उधर पहुँचा दिया उन्होंने अच्छे से। और ये सभी रूट है विरार साइड का। देन हम लोग आगे जाएंगे, वहाँ का पूरा आपको स्टार्ट टू एंड लोकेशन दिखाएंगे। देन उसके बाद और स्टेप्स का भी आपको दिखाएंगे कि कितने स्टेप कहाँ तक है, टोटल कितने हैं, ऊपर ऊपर जाके कैसा लगता है, क्या नज़ारा है। देखो, ये सभी लोग होंगे वहाँ के, तो जा रहे हैं उनके उनके रास्ते से, छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं हमको। देन हमारा ये रूट जा रहा है, हम लोग बैठे थे, मैंने सोचा चलो आज पूरा की पूरा व्लॉग डालते यूट्यूब पे। जैसे कि बहुत दिनों से मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था, तो मैं सोच रही थी कि हाँ चलो इसमें वॉइस ओवर करते हैं। अभी आज दूसरा दिन है हम आए हैं, बट मैं मुझे टाइम नहीं था तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। अभी पूरा मतलब फ्री हूँ मैं, थोड़ा भी शोर नहीं है मेरे आसपास, तो मैं सोचा कि चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अभी तक तो पहुँचने हम बहुत दूर है। उन्होंने क्या किया, ऑटो वाले ने हर एक का 20 रुपये लिया, तो हम लोगों का 80 रुपीज़ ले लिया उसने। 80 रुपीज़ ले लिया, फिर भी मेरे बच्चे को मेरे गोदी में बिठा के उसने हमसे पैसे ले लिए। तो हम बोले चलो ठीक है, जाने तो भाई। और हम लोग जा रहे थे देवी को, तो कैसे इसको कुछ बोले, तो कुछ भी नहीं बोले हम लोग। देखो ना कितना गर्दी करके ऐसे ही ले जाते, ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो उनको जैसा मतलब ये बेनिफिट होगा वो ऐसा ही करेंगे ना, वो थोड़ी ना हमारा सोचेंगे कि हाँ बाबा हमारे हैं मतलब जो भी हैं हमारे पैसेंजर, कि उनको अच्छे से छोड़े ये वो। सॉरी हाँ, मेरे बीच बीच में बोलना ऐसा होता है, मुझे अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, सो तो प्लीज़ इग्नोर मारना जो भी मेरे से मिस्टेक हो। ओके, मेरे फ्रेंड से हाय ऐसा बोला मैंने उसको, देन वो हाय कर रही है। उसके बाद वो औरत थे, उसके दो ट्विंस थे, ये मेरा बेबी है जो कि 7th स्टैंडर्ड में है अभी। देन देखो अभी थोड़ा ही बाकी है उसका रूट जीवदानी विरार। तो ऑटो जा रहा है, जा रहा है। मैंने इस वीडियो को फॉरवर्ड करना था बट मैंने नहीं किया। ओ माय गॉड, देखो दर्शन कर लो जल्दी से, दूर से स्टार्ट दिख गया। देखो 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 जल्दी, वाओ। हाँ, इतना अच्छा लगता है ना मुझे यहाँ पे, मस्त न थी वो, पूरी हो गई। देखो, मैंने हम अभी लोग जाके और एक पहुंच मन्नत गए मांगी है। फाइनली। देखो ऊपर कितना अच्छा मंदिर है देवी का, कितना बड़ा है देखो। और वो दोनों साइड से जो दिख रहा था ना, एक वाइट और ग्रीन, वो एक साइड रेलवे था, एक साइड रोपवे था। देखो हाय। देन मेरा बेटा, उसकी बहन का बेटा, उसका बेटा। देन ओ, हम लोगों ने यहाँ से लिया देवी के लिए सामान। और ये ऑटो गई ना उस साइड जाता है मंदिर का वे, हम लोग उसके पास से सामान लिए, हम लोग निकले आगे। और आगे जाके बताऊंगी मैं आपको क्या हुआ।
एक्चुअली अभी बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर जाके हम लोगों ने पूछा ना, तो वहाँ से 20 या 30 रुपए से स्टार्ट था देवी का सामान, और इसने हमसे ले लिया 100 रुपए। पहला ही शॉप था, हम लोग आए, बहुत धूप लग रही थी, देखो मैंने दुपट्टा गॉगल्स भी पहन लिए इसकी वजह से, तो हम लोगों को मालूम नहीं था। तो उसने बोला कि 100 रुपीज़ का है, ले लो करके, हमने ले लिया। और ऊपर जाके पता चला कि 30 40 50 से स्टार्ट है ये वाले प्लेट, क्या बोलते इसको, ये वाले ताट देवी माता के सामान के, पूजा के। तो छोड़ो कोई बात नहीं, अभी हो गया वो। बट जो पहला दुकान था उनका तो मतलब अच्छा हुआ ना, किसी को मालूम नहीं रहता है, ये लोग ले लेते हैं उनसे पैसा ज़्यादा, जैसे कि हमसे भी ले लिया। चलो कोई बात नहीं, फिर हम लोग निकले आगे। देखो मेरे फ्रेंड, थोड़ा कैमरा इधर उधर हो रहा है, हम लोग एक्चुअली किसी को पूछ रहे थे रोपवे का, ट्रेन का। मालूम है किसी ने बोला कि हाँ ट्रेन चालू है, रोपवे बंद है। आगे जाके हम लोगों ने देखा तो ट्रेन भी बंद थी। फिर मुझे ना ये जय माता दी वाला एक रिबिन चाहिए था, तो हमने वो ले लिया। और फिर आगे जाके मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाली हूँ, देखो अब मैंने क्या किया। देन यहाँ पे वो सब डिस्कस किया, रोड देखा क्या करे कैसे करे अब क्या करे करके, मेरा बेटा रोए जा रहा था कि मम्मा मम्मा स्टेप्स से नहीं जाने है मम्मा। मैंने जैसे जैसे उसको समझाया कि बेटा आप क्या कर सकते हैं, हमको नहीं मालूम था, ऐसा वैसा करके हम लोगों ने उसको मनाया। तो बोला हाँ मम्मा ठीक है मैं चलूँगा करके आया। वो भी अभी छोड़ के भी नहीं जा सकते ना, किसी के पास कोई तो भरोसे वाला नहीं है यहाँ पे हमारा, तो कैसे छोड़े ना किसी के पास। तो नहीं, मैंने मैंने बोला कुछ भी करो चलो, बोला या तो ऊपर एक दुकान में आराम करो, फिर मैं आऊँगी ऐसे तुमको लेके जाऊँगी, ऐसा भी बोला था, नहीं रुकूँगा बोला। देखो ये वाली है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने कराई, ये मेरा फेवरेट फेवरेट। और उसने स्टिकर लगाए, एक कॉटन से उसको साफ किया, देन मिल गया मुझे मेरे टैटू वाला मेहंदी। वैसे अभी तक 2 दिन हुआ है, मुझे लगा था एक वॉश में ही निकल जाएगा, बट वो अभी तक नहीं गया है। अच्छा था, कोई नहीं, वो लस्सी वाले भैया थे, हमने सोचा चलो लस्सी पीते हैं, चलो इतने धूप में आए हैं, वो पी लिया हमने लस्सी। ये दोनों भैया, उनको समझ में आ गया कि चलो भाई कोई वीडियो बना रहा है, देखो स्माइल कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। दे दिया उन्होंने 20 रुपये का एक ग्लास था शायद, 20 30 अभी याद नहीं मुझे, हमने ले लिया। हाँ देखो ऐसे डिस्कस चल रहा है कुछ। फिर मेरी फ्रेंड क्यूट सी खुद के खुद ले लिया, खुद पीने लगी, अब बेटे को नहीं दिया, किसी को नहीं पूछा। चलो मैंने बोला अभी उनको तो बोल कि ले करके, फिर बोली हाँ ले लो करके, फिर उन्होंने ले लिया। मैंने सबको रिकॉर्ड किया, देखो मेरा बेबी छोटा छोटा प्यारा। और जैसे कि लस्सी पी ली हम लोगों ने, फिर हम लोग आगे की साइड निकल पड़े। और यहाँ का ये पूरा एरिया है, जैसे कि हम चल के सीधा भी मंदिर के सामने ही जाएंगे हम, नीचे वाली ग्राउंड पे। देन ये सभी दुकानें हैं जो कि सभी देवी माँ के सामान से जुड़ी हुई है, भरी हुई है, जो भी है। ओम, देखा आपने, किसी ने तो मैं नोटिस किया? जूम करके रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक अच्छा वाला बड़ा सा ओम उन्होंने ना ऐसा हिल पे वहाँ पे किया है, मस्त की मस्त लगता है वो, मस्त किया है। अभी देखो ये जो गेट्स है ना, वो देवी माता के मंदिर के, देखो जीवदानी देवी संस्थान, और ऊपर देखो वो वाला मंदिर जो कि है हम जाने वाले हैं, वो वाला मंदिर। यहाँ पे हमने चप्पलें रख दी और ऊपर लिखा था कि विनामूल्य चप्पल स्टैंड, पर उन भैया लोगों ने हमसे बोला कि आपकी जो मर्जी है वो आप दे के जा सकते हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। देन ये हुआ स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप से मेरा यहाँ का रूट चालू। देन हम लोग आपको दिखाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद कितना स्टेप्स कहाँ तक है। वैसे
पूरा की पूरा नहीं कर पाई, एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर स्टार्ट में ही लगवाया है इन लोगों ने। देखना ऑलमोस्ट 80 कंप्लीट हुआ है। ये प्यारा पपी मेरा बेबी बोलता है, मम्मा इसको शूट करो, इसको शूट करो। तो मैंने उसको भी शूट किया। देन 150 करके हुआ है अब तक, 1200-1300 कुछ है शायद स्टेप्स। थोड़ा लास्टली में नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेमोरी का प्रॉब्लम था और ऊपर अलाव भी नहीं था ना, वो बीच का नहीं कर पाई मैं। देखो आप लोग देख लो, 170 हुआ, 180। मेरे बेबी को एनर्जी ड्रिंक चाहिए था, उसको वो लेके दिया। मेरी फ्रेंड का क्या चल रहा है इधर, फोटो सेल्फी ले रही है शायद वो। देन हम लोगों ने कच्चा आम लिया, इमली ली, क्या क्या ली ले रहे थे हम लोग। टेस्टी था ये, अच्छा लगता है ना, मतलब चलते चलते टाइम पास करते 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 हम लोग जा रहे थे। किसी किसी जगह हमने आराम किया, बैठ गए थे, बहुत सांस फूल रही थी ना हमारी, तो हम आराम कर कर के जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि निकले वैसे ही जाओ, अपनी मर्जी से आप आराम से हो सकते हो। देखो 290 करके स्टेप्स यहाँ तक कंप्लीट हुआ है हमारा। देन अभी हाँ, आप यहाँ का एरिया देख लो एक बार। एरिया देख लो, फाइनली मेरे बेबी ने स्माइल किया, अच्छा लगा ना। देन ये झाड़ियाँ, ये मौसम, बहुत सारे लोग थे। ऐसा कुछ नहीं कि इतना डिफिकल्ट वे है, ऐसा है वैसा है, लोग नहीं चाहते होंगे। बहुत लोगों का ट्रस्ट है देवी के ऊपर, बहुत मानते हैं लोग देवी को। बहुत सारे लोग थे, आ रहे थे जा रहे थे। ऐसा बोला जाता है आप मन्नत मांगो तो पूरी होती है, कि मैंने सोचा चलो जाते हैं, मन्नत पूरी हो जाएंगी तो रिटर्न आ जाएंगे। अभी ना नेक्स्ट टाइम मैं मेरे मम्मी पापा पर जब रोपवे वगैरह चालू होगा ना तभी मैं उनको ले जाऊंगी, क्योंकि उनका ऐसा नहीं मैं करूंगी, वो बहुत परेशान हो जाएंगे चल चल के, उनको नहीं होगा, बहुत पैर दुखेंगे उनके। फिर मेरे भाई बहन आ सकते हैं मेरे साथ ऐसे, उनको भी ले जाना, मेरे भाई को मेरी बहनों को। मेरा ग्रुप यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा था, ये मैं, फिर हम लोगों ने वीडियो ऐसे टाइम पर शूट किया। फिर एक जगह हम रुक रुक के थे वहाँ पे मैंने शूट किया। देन हाँ, आपको मैंने बताया ना प्राइस का ये वो, तो हमने यहाँ पे पूछा था ऐसे ही कि कितना प्राइस है क्या है, तब तो हमको पता चला कि अरे ऊपर तो इतना कम प्राइस है। वो भी मेरे फ्रेंड बोली, अरे अंकिता देख हमने वहाँ पे 100 रुपये से लिया, यहाँ पे देख कितने को मिल रहा है। मैं बोली छोड़ो कोई बात नहीं, अभी बहुत ज़्यादा धूप थी। देखो आप लोग, दुपट्टा लेना पड़ा, गॉगल्स पहनने पड़े, कोई बात नहीं। वो झाड़ी वगैरह थी नहीं ऊपर ट्री, तो उससे इतना कुछ नहीं लग रहा था, ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी, पर सांस फूले जा रही थी क्योंकि ऊपर तक ही ना चढ़ के जाना, ऐसे देखो पसीना आ रहा था मुझे। बीच बीच में स्टॉप ले लेके हम लोग कंप्लीट कर रहे थे हमारा। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा बहुत थक गया होगा। मेरी फ्रेंड बोलती है, अरे बैठ तू बैठ आराम कर, तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर। फिर पानी लिया हमने यहाँ से, ऑलमोस्ट 1000 कंप्लीट हुआ यहाँ तक, अभी थोड़ा ही बाकी है। देखो ना कितना अच्छा नज़ारा है, ये मस्त स्टोरी होगी ना इसकी, देवी माँ की। अभी तक मुझे मालूम नहीं है मैं करूँगी पता है इसका, पढ़ूंगी या सुनूंगी कहीं पे देखूंगी तो पता चलेगा। इतना हील के अंदर देवी माँ को बसाना, मतलब कुछ तो स्टोरी होगी इसके पीछे, है ना। इतने दूर इतने ऊपर कैसे वो आई, कैसे बसी, क्या है क्या नहीं, मुझे देखना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और है ना मेरा बेबी प्याला छोटा बच्चा थक गया वो भी। हाँ अभी बोला हूँ, मम्मा बैठ बैठ, धूप में मत बैठना मम्मा।
तो मैंने नहीं बैठी धूप में, मैं छाँव में आके बैठ गई। पेड़ था ऊपर, पीपल का या किसका है मालूम नहीं, उसके छोटे 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 बीज लगे थे जो कि लोग खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, अमरुद होगा शायद। वो बहुत सारे थे उसके ऊपर और बहुत अच्छा दिख रहा था। यह पेड़ बहुत बड़ा था। देखो हमारे सहयात्री कैसे आ रहे हैं। थोड़ी 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 देर बाद पब्लिक चालू हुई थी मालूम है। देन थोड़ा कैमेरा फास्ट ले लिया, शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ फाइनली जहाँ से ऑलमोस्ट 5 मिनट का ही अब फासला है देवी के और हमारे बीच में, वहाँ तक हम लोग आ गए। देन और ये शूट करने का पूरा की पूरा दिखाने का मकसद यही है कि जो भी लोग मेरी फ्रेंड है दादर की, नीलिमा नीलम करके जो भी नहीं आई है, मेरा वीडियो देखेगी फिर से एक बार, उनकी भी यादें ताज़ा होगी। लास्ट टाइम मैं उन लोगों के साथ गई थी तब वीडियो